हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस क्या हैं, इनको सबसे पहले वायरस टर्म किसने दी, किस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई, इनका ओरिजिन कैसे डिफाइन किया जाता है, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट वायरसेस की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि बेजरिंक, जिन्हें हम फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले डिटरमाइन किया था 1898 में। और इन्होंने जो वायरस टर्म है उसको वायरस ना देकर इन्होंने उनको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूड कहा था, ठीक है। और उसके बाद में मॉडर्न टर्म वायरस दी गई थी, पहले वायरस का नाम कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम था। तो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेजरिंक के द्वारा क्या टर्म दी गई थी वायरस को, या फिर कंटेजियम वाइवम फ्रीडम जो है ये टर्मिनोलॉजी किनके द्वारा दी गई थी। तो ये मार्टिनियस बेजरिंक के द्वारा दी गई थी। अब अगर हम वायरस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो, बहुत सारी ऐसी आज के प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ ऐसे डिजीजेज हैं जिनको कि वायरल डिजीज के रूप में डिस्कवर किया जा चुका है। लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें तो 1939 में होल्मस ने एक क्लासिफिकेशन लिस्ट पब्लिश की थी 129 प्लांट वायरसेस की, जिसको कि 1999 में आते आते थोड़ा एक्सपांड कर दिया था और उसमें 977 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड प्लांट वायरल स्पीसीज का जिक्र किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें प्यूरिफिकेशन किसने किया, हमने बोला अभी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लुएम टर्म किसने दी, इसके बाद में प्यूरिफिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन किसने किया। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन लिविंग चीज़ का होता है ना, यानी कि अब हम बता रहे हैं कि जो वायरस है वो लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो जब टीएमवी जो वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसका क्रिस्टलाइन जो है क्रिस्टलाइजेशन, वो स्टेनले के द्वारा किया गया था 1935 में। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन सेक्टर ऑफ केमिस्ट्री इन 1946। तो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किनके द्वारा किया गया था, और याद रखना कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इन 1946। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ वायरसेस की, और वायरसेस का ओरिजिन माना कहाँ से जाता है। तो वैसे तो वायरसेस का ओरिजिन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वायरल ओरिजिन के लिए दो थ्योरीज इन्वेंट की गई हैं। पहली कि वायरस जो है वो किसी डीएनए, आरएनए या फिर दोनों तरीके के न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट से किसी होस्ट सेल से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरी कि कोई इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट है उसकी डीजनरेटिव जो फॉर्म है उससे वायरस बना है। तो ये दो थ्योरीज दी जाती हैं कि वायरसेस का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। वैसे आपको पता है कि तुलिप वायरस जो है उसके साथ सबसे पहले वायरस का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था। सबसे ओल्डेस्ट जो नॉन वायरस है वो टुलिप वायरस है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की हिस्ट्री की बात करें तो आप सभी को पता है कि वायरस के अगर हम फैमिलीज़ की बात कर रहे होंगे तो उसके लिए सफिक्स विरिडी यूज़ करते हैं। सब डिविजन्स की बात करेंगे तो उसके लिए अलग अलग सफिक्स यूज़ करते हैं। जीनस का करेंगे तो वायरस हम बोल ही रहे हैं। देखो, बेसिक जो वायरस टर्म है उसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। और वायरस टर्म बाद में यूज़ की गई थी जब ये आइडेंटिफाइड हो गया था कि वायरस जो है वो एक्चुअल में वायरस ही है, यानी कि ऐसा कोई लिविंग एंटिटी है जो कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर सर्वाइव करता है और बाहर अगर वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह रहेगा। इससे पहले वायरस जो है उसको बैक्टीरिया के रूप में ही जाना जाता था कि शायद कोई बैक्टीरिया ही होगा, लेकिन जब बैक्टीरियल फिल्टर से भी वो फिल्टर हो जाते थे तब उनको आइडेंटिफाई किया गया कि या तो ये कोई टॉक्सिन सब्सटेंस हो सकता है या फिर कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया तो नहीं है। उसके बाद में जैसे अभी हमने डिस्कस किया तुलिपोमानिया इन द लेट 16 सेंचुरी, होता क्या था, तुलिप जो पर्टिकुलर वायरस है वो क्या करता था कि एक पर्टिकुलर यूरोप में एक फ्लावर होता था जिसकी साइज़ को वो काफ़ी इंक्रीज कर देता था। उस पर्टिकुलर वायरस के इन्फेक्शन से उस फ्लावर की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पर उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो हम एक तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि जो टुलिप वायरस है वो एक तरीके से बेनिफिशियल वायरस के रूप में देखा गया। तो वैसे हम वायरस या वायरस का नाम आता है तो हम बेनिफिशियल टर्म को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो टुलिप वायरस जो है उसे हम बेनिफिशियल की जो कैटेगरी है उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कुछ प्लांट वायरोलॉजी के कुछ
इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जानने की, जैसे एडोल्फ मेयर को आपको ध्यान में रखना है, आप सभी को पता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1883 में। इन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस से जो प्लांट इन्फेक्टेड था उसके जो मोज़ेक सिम्टम थे, आपको पता है टोबैको मोज़ेक वायरस है तो मतलब ऐसा वायरस जो मोज़ेक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके मोज़ेक जो सिम्टम वाला पार्ट था वहाँ से प्लांट को लेकर उसका जो इन्फेक्शियस सेप था वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्ट किया, और उसके बाद में उन्होंने पता लगाया कि ये ऐसा कोई एजेंट है जिसको कि कल्चर नहीं किया जा सकता है, और शायद ये ऐसा पैथोजन है जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। फिर आते हैं इवानोवेस्की। इवानोवेस्की ने 1893 में बैक्टीरियल फ्री फिल्टर से इनको फिल्टर किया, और इन्होंने सजेस्ट किया कि जो पैथोजन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है बैक्टीरिया से, या फिर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस हो सकता है। फिर आते हैं मार्टिनस बेजरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमने पढ़ा कि इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने क्या कहा था वायरस को, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक वायरसेस की डिस्कवरी। तो बेजरिंग ने 1897 में इनको लेटिन नेम वायरस दिया, जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। ये इसका मीनिंग काफ़ी, वायरस टर्म का मीनिंग बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में टोबैको मोज़ेक वायरस का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो स्टैनले ने किया था, और ईयर याद रखनी है आपको 1935 में किया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो वायरसेस होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो किसी भी स्मॉलेस्ट सेल से छोटे होते हैं, और इन्हें नैनोमीटर में ऑब्जर्व किया जाता है या मेजर किया जाता है। इसके अलावा अगर वायरोलॉजी की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स की डिस्कवरी की है। लाइक अगर हम कसानिन्स को बोले तो इन्होंने सैटेलाइट वायरस की डिस्कवरी की है, इसी तरीके से सैटेलाइट आरएनए। पर ये सब पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सैटेलाइट आरएनए होते क्या हैं, वायरस का क्या क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो क्या है। तो ये हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, एंड किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, और सबसे फर्स्ट ओल्डेस्ट नॉन वायरस कौन सा था, कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वायरोलॉजी के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वायरोलॉजी के बारे में थोड़ा और डीप डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।